और झांसी के गरौठा विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी दीप नारायण सिंह यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि पिछले 5 सालों में विकास के कार्य रुक गए हैं, जिस वजह से प्रदेश 5 साल पीछे हो गया है। अगर इस बार समाजवादी पार्टी आती है तो सबसे पहले हमारी सबसे पहली प्राथमिकता होगी सबसे पहले बांध बनवाना, जो बांध वहां के लोगों को जीवन दे सकता है। 70% बांध बना हुआ है लेकिन 4.5 सालों में जांच के नाम पर काम रोका गया। हमारी सरकार में मैन्युफैक्चरिंग जोन लाए थे जिसका नाम इन्होंने बदलकर डिफेंस कॉरिडोर रख दिया, लेकिन उस डिफेंस कॉरिडोर में इंडस्ट्री नहीं लगी। हमारा मानना है कि इंडस्ट्री ऐसी लगे जिससे लोगों को रोजगार मिले। आप जो भी बनाएं उसमें कम से कम 50% लोग बुंदेलखंड के लगे, जिससे वहां पलायन बंद हो। ये जीत रहे हैं, ये या भूल रहे हैं कि ये कहते हम 325 हैं, उसके पहले की बात भूल गए क्या? ये 47 पे थे, हम 225 पे थे। जनता का रुझान थोड़ा सा बड़ा, हम 3000 के अंतर से 90 सीटें हार गए थे। मैंने कहा कोई बहुत बड़ा मार्जन नहीं था, धोखे से आप जीत गए हैं। इस बार जो झुकाव है, इस बार तो पिछली बार जिन चेहरों पे बने थे, यही मौर्य जी का चेहरा दिखाकर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनाए थे, सब आप सरकारें बनाई थी, यानी कितने मुख्यमंत्री बना रहे थे, पाल साहब को बना, कितने चेहरों के नाम पर लड़े थे। आज वो सत्ता में ठोकर मार के सौ प्रसाद मौर्य जैसे लोग, तारा सिंह चौहान जैसे लोग, बहुत सारे बड़े लोग जो चेहरा थे बीजेपी का, छोड़कर सरकार समाजवादी पार्टी लड़ने आए हैं। उन्होंने ये छोटे समय नहीं तय किया कि हम सरकार में रहें, मंत्री बने रहें और हमारे सामने हमारे बच्चों की नौकरियां छीन ली जाएं। दुर्भाग्य है कैसी राजनीति का हिस्सा हम रहे। हम कम से कम वहां तो खड़े हों जहां से लोगों इंसाफ दिला सकें। मैं कह सकता हूं माहौल ऐसा है, ये गलत फहमी में जी रहे हैं कि उनके भाषण और टीवी और अखबार और सर्वे इन्हें जिता देंगे। सर्वे तो बना रहे थे बंगाल में सरकार, सर्वे तो बना दिल्ली में सरकार। ये कहते हैं कभी कभी कि 400 अखिलेश यादव जी ने बोल दिया तो क्या 3 सीटें रहेंगी? हाँ, आप 3 सीटों में दिल्ली में बुक हुए थे, आप सारी आपको सीटें मिली थी। तो कभी कभी जो बात कही जा रही है उस पर गौर करनी, जनता तय करती सरकार किसकी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड द जनतंत्र टीवी ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। Download it now.